एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर विद्याज मैनेजमेंट स्टडी। आज हम देखने वाले सिलेक्शन प्रोसेस। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द रिक्रूटमेंट पार्ट। जिन्होंने वो सेशन मिस किया है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक को चेक करो। सो लेट्स सी विथ व्हाट इज़ मीन बाय द सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन ऐसी प्रोसेस है वो जो रिक्रूटमेंट के बाद आती है। हमने ऑलरेडी देखा है कि सबसे पहले मैन पावर प्लानिंग आता है। मैन पावर प्लानिंग मतलब जो आपको एक्चुअल आपके पास मैन पावर है और कितना आपको डिजायर्ड मैन पावर है वो कैलकुलेट करना, राइट। उसके बाद आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज़ नथिंग बट टू स्टिमुलेट द एम्प्लॉयज़ और द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब। इसमें क्या होता है, यू आर क्रिएटिंग द पुल, मतलब वहाँ पर आप एप्लीकेशन मंगवाते हो टू अप्लाई फॉर द जॉब। एंड सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस वो रिक्रूटमेंट के बाद आती है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम द कैंडिडेट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम द आउटसाइड द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर द करंट पोजिशन फॉर द फ्यूचर पोजिशन। इसमें क्या होता है, सिलेक्शन मतलब यू हैव टू पिक, यू हैव टू चूज द कैंडिडेट। वो कैंडिडेट आइदर आउटसाइड से रहेगा या फिर आपके कंपनी के अंदर इंटरनल, जो हम रिक्रूटमेंट बोलते हैं ना, वो वाल उससे रहेगा। सो सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच कैंडिडेट्स फॉर द एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस, दोज हु आर टू बी ऑफर्ड जॉब एंड दोज हु आर नॉट ऑफर्ड द जॉब। बेसिक चीज है, जब आप सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो, जिसको आप रिजेक्ट कर रहे हो उनका एक अदर ग्रुप हो जाता है। सो सिलेक्शन प्रोसेस के कुछ बेसिकली स्टेप्स है। देखा जाए तो हर ऑर्गेनाइजेशन की सिलेक्शन प्रोसेस डिफरेंट होती है, वो वैरी हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। बट यहाँ पे मैं कुछ एक स्टैंडर्ड प्रोसेस जो बता रही हूँ वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहला आता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, स्क्रीन ऑफ द एप्लीकेशन, सिलेक्शन ऑफ टेस्ट, सिलेक्शन द इंटरव्यू, चेकिंग द रेफरेंसेस, मेडिकल टेस्ट एंड ऑफरिंग द जॉब ऑफर। नाउ वी विल सी इन वन बाय वन। सो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, इसमें क्या होता है, दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। प्रिलिमिनरी है, ओके। इसमें क्या होता है, ऑल द अनडिजायरेबल एप्लीकेंट्स आर वीडेड आउट, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं वो अप्लाई करते हैं, ऐसे देखते हैं कि चलो वहाँ पे रिक्रूटमेंट की ऐड आई है तो चलो हम ट्राई करके तो देखते हो, वेदर अगर इवन दो उनका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वहाँ पे मैच नहीं होता फिर भी वो अप्लाई करते। सो ऐसे जो अनडिजायरेबल एप्लीकेंट्स हैं उनको रिमूव करना, दैट इज़ वॉट द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। इट प्रोसेस कंडक्टेड बाय द लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव, राइट। क्योंकि वो लोग, उनको शॉर्ट लिस्ट करना पड़ता है कि अरे ये सीवी अपने जॉब प्रोफाइल के लिए सूट ही नहीं हो रहा है, दैट्स वाई द रिमूविंग दैट अनडिजायरेबल एप्लीकेंट्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट स्टेप, क्यों, बिकॉज इससे क्या होता है कि जो एचआर मैनेजर है ना वो कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं जो भी रियल एप्लीकेंट्स है या जो सूटेबल एप्लीकेंट्स है विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। दैट्स वाई प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग इज इम्पॉर्टेंट। द नेक्स्ट आता है स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन। ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोवाइड द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे क्या होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है, इधर वो हार्ड कॉपी में रहेगा या फिर कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन को में जो भी उनकी वेबसाइट है वहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ता है। उस फॉर्म में बेसिक थिंग्स पूछा जाता है लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, योर एज, योर ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। सो स्क्रीनिंग कमिटी क्या करती है, वो चेक करती है उसके डिटेल्स एंड दे कॉल द कैंडिडेट फॉर द सिलेक्शन टेस्ट। इसका पर्पस जो है टू शॉर्ट लिस्ट द सुटेबल कैंडिडेट एंड कॉल देम फॉर द नेक्स्ट राउंड। सो आफ्टर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म दे शॉर्ट लिस्ट एंड दे कॉल फॉर द नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन टेस्ट। देखो टेस्ट ये है ना, हर कंपनी का मैनेजर से बोला था, किसी कंपनी में टेस्ट भी नहीं होता, डायरेक्टली आपको बुलाते हैं, एक दो राउंड लेंगे। बट ये जो टेस्ट रहती है इट इज़ डिपेंड अपॉन द आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, आपकी जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, टू चेक द नेसेसरी स्किल एंड द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट बिकॉज दैट स्किल्स इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर जॉब। सो दिस टेस्ट इट कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट डिपेंड अपॉन द नीड ऑफ द जॉब। फॉर एग्जाम्पल कहीं कहीं पे इंटेलिजेंस टेस्ट होती है, आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट रहती है, साइकोमेट्रिक टेस्ट रहती है या टेक्निकल टेस्ट रहती है, जैसे आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा। वंस वो अगर टेस्ट देने के बाद वो क्या करते हैं कि आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं अगर आपने वो क्वालिफाई की। जैसे मैंने बताया था कि टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई आर्मी मिलिट्री वाला है वहाँ पर तो आपका
फिजिकल टेस्ट इज रिक्वायर्ड, राइट। सो सिलेक्शन इंटरव्यू में क्या होता है, द इंटरव्यूअर मे बी इंडिविजुअल और पैनल, आइदर एक बंदा आपका इंटरव्यू लेगा या ग्रुप ऑफ पीपल, पैनल रहेगा। जनरली इसमें क्या होता है कि टॉप मैनेजर और एग्जीक्यूटिव लोग जो रहते हैं वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, कैंडिडेट्स आर आस्क सेवरल क्वेश्चंस, आइदर वो स्ट्रक्चर इंटरव्यू रहेगा या फिर अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू हो सकता है। इसमें क्या होता है, एक्सपीरियंस, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपके इंटरेस्ट क्या है, और इसमें पूछा जाता है आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन, ओके। एंड द नेक्स्ट पार्ट आता है चेकिंग द बैकग्राउंड एंड द रेफरेंसेस। इसमें क्या होता है कि कंपनी इज आस्किंग टू द कैंडिडेट्स एटलीस्ट फॉर द टू रेफरेंसेस। क्यों पूछा जाता है, टू क्रॉस द चेक एंड वेरीफाई द इंफॉर्मेशन। मतलब क्या होता है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं आपको पूछा जाता है आपके रेफरेंसेस बताओ, तो कंपनी उन लोगों को कॉल करके पूछते कि ये बंदा कैसा है, सच में उसने ये इसका परफॉर्मेंस कैसा था, काइंड ऑफ फीडबैक उनसे पूछा जाता है बिफोर अपॉइंटिंग दिस। सो कंपनी उनसे कॉन्टैक्ट करके उनका अंडरस्टैंड करती है उनके पोटेंशियल कैंडिडेट्स को, ओके। द नेक्स्ट इज़ व्हाट, मेडिकल टेस्ट। इट इज़ मेडिकल टेस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होगी ही, ऐसा कुछ नहीं, इट डिपेंड अपॉन और वेरी अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। बट आजकल लोग जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो चाहते कि बिफोर जॉइनिंग दैट कैंडिडेट वी शुड नो कि उसकी फिटनेस कैसी है, उसको पहले से कुछ बीमारी तो नहीं है ना, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि यहाँ आने के बाद फिर उसको हो गया या पहले से उसको कुछ डिसीज था एंड ऑल, कुछ हम बोलते ना जॉब ऑक्यूपेशन के कारण भी उनको कुछ डिसीज हो सकते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई दे आस द एप्लीकेंट टू फॉर द फिजिकल फिटनेस रिपोर्ट, जो उनके परफॉर्मेंस के लिए, जॉब परफॉर्मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो उनसे वो मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट कैंडिडेट हैव टू सबमिट बाय द ऑथराइज डॉक्टर, आइदर कोई भी ऑथराइज डॉक्टर से ले लो या फिर उनके कंपनी के जो पैनल लिस्ट में जो डॉक्टर्स हैं उनसे यू हैव टू टेक दैट रिपोर्ट। लास्ट आता है जॉब ऑफर। देखो आपने सभी हर्डल्स को पार किया है, सिलेक्शन में पूरे हर्डल्स को पार किया है, नाउ लास्ट आएगा आपको जॉब ऑफर। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल हु परफॉर्म सक्सेसफुली इन द प्रिसीडिंग स्टेप्स, जो भी अपने 6 स्टेप्स हमने देखे थे, नाउ दैट कैंडिडेट इज कंसिडर एज अ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफर। इसमें क्या होता है, जॉब ऑफर दिया जाता है उनको, एक लेटर रहता है उसमें जॉइनिंग डेट, सैलरी पैकेज, उनकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो मेंशन किया जाता है, और उसके बाद उनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाता है। वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा और उसमें ज़्यादा मोर डिटेल्स रहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, बाय।